जब बीवी के सवालों से इनकार, तब घर में आ जाए भूचाल। सवाल पूछते हैं क्योंकि आप ठीक से जवाब नहीं देते, समझे मिस्टर राजेश वागले। देखते हैं ऐसे भूचाल में राजेश वागले का क्या होता है हाल। तुम लोगों को और कोई बहाना नहीं मिला, कस्टमर को इस तरीके से ट्रीट करते हो। हाँ वंदना, जस्ट ऑफिस पहुंचाओ। अच्छा, वेरी गुड। ये बताओ आज घर कब तक आओगे? हाँ हाँ हाँ, हमेशा की तरह 7-8। 7 या 8 मिल गया। ए बाजूटा बाजूटा मैडम, ये देखिए आपका रिकॉर्ड मिल गया, अब बताइए इसका क्या करना है। How dare you? ये क्या हरकत है? अरे ये इंटेंशनल नहीं है मैडम, ये आदत है। मैं वंदना थोड़ी देर पे करता हूँ ना फोन, प्लीज। अरे राज बताओ ना, 7 बजे या 8 बजे? वंदना एक मिनट, हद हो गई है, अब आप लोगों को सबक सिखा कर रहना पड़ेगा। मैं वीडियो भी बनाती हूँ और उसको वायरल भी करती हूँ, रुक जाइए आप लोग। क्या बात क्या है? अरे इन्होंने हाथी भिजवाया था लेकिन पहुँचा ऊँट। कैसे? ये देखिए, ये है P2P नेक्स्ट कोरियर का ऑफिस, यहाँ जो कुछ हो रहा है हम आपको लाइव दिखाएंगे, यहाँ किस तरीके से कस्टमर को ट्रीट करते हैं। सर सर सर, वो एक्चुअली वो मेरे हाथ से हाथी टूट गया। टूट गया? हाँ, पर मैंने बाजार जाके हाथी लाने की कोशिश की पर नहीं मिला, पर मैंने ऊंट पैक करके भेज दिया। माल करते हो चंदू। मैडम प्लीज, सबसे पहले तो ये लाइव बंद कर दीजिए, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ। थैंक यू। देखिए हमसे गलती हुई है, हम मानते हैं, आप उस हाथी की कोई तस्वीर होगी तो आप हमें दीजिए, हम ऑनलाइन मंगवाएंगे और उस एड्रेस पर भेज देंगे ना। दासा नहीं, इनसे तस्वीर ले लेना, ऑनलाइन मंगवा ला। हाँ राज, कब से फोन होल्ड करके खड़ी हूँ, बताओ भी 7 बजे या 8 बजे? वंदना तुम कितने सवाल पूछ रही हो? मैं तो बस इतना पूछ रही हूँ ना कि घर कब तक आओगे, इसमें आवाज क्यों ऊंची कर रहे हो? नहीं नहीं, तुम पूछो मत, घर से निकलता हूँ तो सवाल पूछती हो, खाना जस्ट खाया कि नहीं तुम्हारा फोन आ जाता है। जरा प्लीज यार, तुम बार बार इन्हें सवाल मत पूछा करो वंदना, प्लीज। अरे तो एक ही बार में सही जवाब दे दिया करो ना, नहीं पूछूंगी। फोन काटती हूँ, मैं तो बस यही पूछ रही थी ना कि घर कब तक आओगे। हाँ मम्मा, लेकिन फोन तो मैं शाम को मेरे फ्रेंड के अब बर्थडे पार्टी में जाऊँ या नहीं उसके लिए किया था ना, अपने डैड घर कब आएगी ये क्यों पूछा? आप ही बताइए माँ, अपने ही हस्बैंड से घर कब आओगी ये पूछना गलत है क्या? अरे बिल्कुल पूछना चाहिए, अगर नहीं पूछा ना तो ये मर्द लोग दूसरे दिन सुबह ना सूरज के साथ उगेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है, है ना? फिर इतना गुस्सा करने की क्या बात थी मुझ पे? बेटा वो तुम पे गुस्सा नहीं है, तू परेशान मत हो इतना, ऑफिस में कुछ टेंशन होगा, सारे मर्द ना एक जैसे ही होते, पता है? जब ये भल्ला से कुछ झगड़ा करके आते थे ना, सारा गुस्सा मुझ पे निकालते थे। पर मैं क्या करूं, ये तो हमेशा का हो गया है। मैं बताती हूँ उसका उपाय, तू ना पूछना छोड़ दे, बताना शुरू कर दे। मतलब मैं जो कहती हूँ वैसा कर, देख कैसे लाइन पे आता है। क्या करना होगा? बंधु। हाय अंकल। बाय डैड। एक मिनट, हाय बाय क्या, कहाँ चले इतना सज धज के? फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। कौन सा फ्रेंड? डैड अब आप सवाल मत पूछना, मम्मी ने ऑलरेडी परमिशन दे दी है। परमिशन दे दी लेकिन मुझसे तो पूछा ही नहीं। मम्मा ने कॉल तो किया था ना आपको पूछने के लिए, आपने ही ठीक से बात नहीं की, अब मुझे क्यों पूछ रहे हो आप? आई एम ऑलरेडी लेट। ओके बाय। अरे लेकिन बाय बाय बेटा, ध्यान से जाना। यस मम्मा, बाय बाय। अब देखो भाई घर आ गया, अब तो थैली दे दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू किस बात का वन्ना भाभी, एक अभागी अबला नारी अपने हाथों में संसार वृक्ष का भार उठाए जा रही हो तो उसकी मदद करना मुझ जैसे मर्यादाशील पुरुष का परम कर्तव्य है। आप नहीं वन्ना भाभी, आप पकड़िए, चलता हूं वन्ना भाभी। ये जोशीपुरा क्यों आया था सब्जी लेकर? मुझे पूछना चाहिए था ना, हम दोनों चलते मार्केट में, मैं जल्दी आ जाता ऑफिस से। अरे पर तुम्हें कुछ पूछूं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए मैंने पूछना बंद कर दिया, अब बस बता दिया करो। वंदना तुम भी ना राई का पहाड़ मत बनाओ यार, प्लीज। और सखी अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई है,
वो क्यों नहीं बताया मुझे? अरे उसकी टेंशन मत लो, वो दक्कू भाई से बात हो गई है मेरी, वो रात को वहीं जा रहे हैं तो सखी को लेते आएंगे। अच्छा, वो भी दक्कू भाई को बताया? अच्छा छोड़ो ना, चाय बना कर रखे, चलो पी लो। चाय? हमेशा तो पूछती हो ना कि चाय पियोगे या कॉफी, आज क्या मूड है, आज चाय बना के रखिए। राज मैंने कहा ना कि मैंने अब पूछना बंद कर दिया। अरे माँ ने तो कहा था ये लाइन पे आ जाएंगे, और ये तो माँ, राज तो नाराज होकर चले गए। अच्छा, अरे राजू आ गया। हाँ रख दे। अम्मी, हाँ मेरे लिए अच्छी अदरक वाली चाय बनाइए, और आज से मैं चाय यहीं पे पीऊंगा। अरे चाय चाय की तरह मांग, फिरौती की तरह क्यों मांग रहा है? सॉरी पापा, वो मेरे और वंदना के बीच। लो क्या कहा तूने? अरे मम्मी, जब भी मेरे और वंदना के बीच झगड़ा होता है तब हमेशा मैंने क्या किया ऐसा क्यों पूछती हो तुम? गलती उसकी भी तो हो सकती है ना, और इस बार बाय द वे गलती उसी की है। मम्मी राजू क्या हुआ बेटा? वही जो रोज होता है, दिन में फोन करके चार चार बार सेम सवाल पूछती है। घर कब आ रहे हो? कितने बजे निकल रहे हो ऑफिस से? खाने में क्या खाओगे? आज क्या खाना बनाऊं? मैंने आज कह दिया कि बार बार मुझे ना ऐसे सवाल मत पूछा करो, मैंने फोन पर बोल दिया। तो आज पता है क्या कह रही है? ठीक है आज से मैं नहीं पूछूंगी, सिर्फ बताऊंगी। एंड यू नो व्हाट पापा, मुझे बिना बताए आज उसने सखी को पार्टी में जाने की परमिशन दी। मुझे बिना बताए ऐसा कौन करता है मम्मी? अगर आप वंदना की जगह होती तो क्या आप ऐसा करती? मैं बाद में बताऊंगी, पहले चाय बनाती हूँ तेरे लिए। हाँ बाद में। वंदना की बातें ना मेरे समझ में ही नहीं आती। घर से निकलता हूँ ऑफिस जाने के लिए, लॉबी में पहुंचता हूँ, लॉबी में फोन आ जाता है। अच्छा निकल गए, सामने ही तो निकला ना मैं, फिर ऑफिस पहुंचने के बाद पहुंच गए, जल्दी पहुंच गया तो अरे जल्दी पहुंच गए, लेट पहुंच गया तो लेट क्यों हुआ? दोपहर का खाना खाने के बाद इमीडिएटली फोन आ जाता है, अरे हो गया खाना, रात में क्या खाओगे? अरे रुको तो सही, अभी जो खाया है उसकी डकार तो लेने दो। कितने बजे निकल रहे हो ऑफिस से? मैंने अगर मान लीजिए कह दिया कि 7 बजे, तो 6 बजे फोन आएगा, निकले नहीं 7 या शायद 8 बजे, तो हमेशा क्यों नहीं 7 बजे आते? 8 बजे निकला तो कहती आज लेट क्यों हुआ? बाजार से मेथी ले आओ तो कहती मेथी क्यों लेकर आए, अब ये साफ कौन करेगा? बैंगन लेकर आओ तो कहती बैंगन क्यों लाए, मेथी लेकर आनी थी, मेथी पौष्टिक होती है। अब बच्चों के लिए बड़ा खिलौना लाया तो कहती बड़ा क्यों लाए, छोटा क्यों नहीं लाए, छोटा ले जाओ तो छोटा क्यों लाए, बड़ा क्यों नहीं, अरे क्या चल रहा है? जल्दी उठो तो कहती जल्दी क्यों उठे, लेट उठो तो कहती आज लेट कैसे उठे, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, अरे कभी ये कभी वो, बस करो। क्या सवाल पूछते हैं क्योंकि आप ठीक से जवाब नहीं देते, समझे मिस्टर राजेश वागले? अगर आप ढंग से जवाब देते तो हम सवाल पूछते ही क्यों? हमारे किसी भी सवाल का कभी भी ठीक से जवाब दिया है क्या आपने? कहां जा रहे हो ये पूछो तो कहते हैं बस यहीं जा रहा हूं। अरे तो ऐसे में हमें समझ में कैसे आएगा कि अगर हमें कुछ चाहिए तो वो हम आपसे कह सकते हैं कि नहीं, आप लेकर आएंगे या नहीं, कितनी देर में घर आओगे ये पूछो तो कहते हैं 1 या 2 घंटे में आ जाऊंगा। अरे 1 घंटा या 2 घंटा ये क्लियरली नहीं बताओगे तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें खाना कब बनाना है ताकि आपको गर्मा गर्म फ्रेश खाना मिले? किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के बारे में पूछो तो कहते देखेंगे। अरे कंफर्म जवाब नहीं दोगे तो साड़ी कौन सी पहननी है, गहने कौन से पहने, ये डिसाइड कैसे करेंगे हम, वक्त कैसे मिलेगा हमें? आपका क्या है, आप तो शर्ट पैंट पहन के चले जाएंगे और उसके लिए भी कहेंगे बंधू मेरे लिए आयन की हुई शर्ट और पैंट निकाल देना, और वक्त तो है ही नहीं आपके पास, बिजी जो रहते हैं इतना, सुबह आंख खुली नहीं कि ऑफिस ऑफिस ऑफिस, देर हो गई, वॉलेट कहाँ है, पर्स कहाँ है, घड़ी कहाँ है, बेल्ट कहाँ है, और 7:40 के साथ 42 हो गए तो अरे सिग्नल रेड हो जाएगा, ऑफिस से घर आए तो न्यूज, स्पोर्ट्स हाईलाइट, फोन पे वो दोस्तों से बातें, खाना खाया नहीं कि वंदू आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक गया मैं सो जाता हूँ,
और ऐसे में आपसे बात करने का मौका मिलता कहाँ है हमें? और अगर ऑफिस फोन करके दो चार सवाल पूछ ही लिए तो अब उसका जवाब भी नहीं दे सकते आप। चाय पी के जा। ये राजू भी ना कितनी छोटी सी बात पे वंदना से झगड़ा करता है। हाँ क्या छोटी सी बात? तुम तो ऐसा कहोगी। मतलब क्या? तुम भी ऐसा ही करती थी और ऐसा करती हो, कितने सवाल पूछती हो। कहीं जाओ तो कहाँ जा रहे हो? पहुंचो। अरे कब आओगे? घर आओ। इतनी देर क्यों लगा दी? और जल्दी आ गए। इतनी जल्दी कैसे आ गए? बाहर कहीं जाओ तो क्या रोज रोज बाहर जाते हो? और ना जाओ, आजकल कहीं बाहर जाते ही नहीं। दोस्तों के यहाँ जाओ तो क्या रोज रोज दोस्तों के यहाँ जाते हो? ना जाओ, आजकल दोस्तों के यहाँ नहीं जाते। कभी गजरा प्यार से लाओ तो गजरा क्यों उठा के ले आए? और ना लाओ, कभी याद से मेरे लिए गजरा भी नहीं लाते। यानी मैं हमेशा गलत? कुछ बोलो तो मैं आप कुछ बोलूं भी नहीं, क्या करे आदमी। अच्छा आप भी ना दूध के धुले नहीं हो। 3 बजे बोल के कभी 3 बजे आते हो? मुझे क्या पता कि बस कितने बजे छूटेगी और कब पहुंचेगी, कब निकलेगी। टाइम टेबल मेरे पास बस की नहीं है। अच्छा बस मिलने के बाद भी कहां बताते हो फोन करके कि बस मिल गई? तुम सब मर्द ना एक जैसे ही हो। तुम भी कमाल करती हो राधिका। घर छोड़ो, चाय बन गई। क्यों क्यों सवाल पूछ रहे हो तुम? हाँ तुमको अच्छा नहीं लगता ना जब हम सवाल पूछते तो तुम क्यों पूछ रहे हो? जाओ देखो जाके चाय बनी कि नहीं। अरे ये क्या बात हुई राधिका? इन दोनों को ना सबक सिखाना ही होगा। क्या करूं? आइडिया। क्या सर कुछ लोचा मारा? तुम लोगों ने जो कल हाथी और ऊंट का लोचा मारा ना, उसके लिए 4,000 का तो नुकसान हुआ ही। ऊपर से उसी वक्त वंदना का फोन भी चल रहा था और आप फोन पर चिल्लाए। सुबह से बात ही नहीं कर रही है। सर आज आप जल्दी घर जाइए और ये मैटर सॉल्व कीजिए। क्या है ना ये बीवी के फोन वाला मैटर बहुत लोचा कर सकता है। एक्सपीरियंस है? हाँ बंधु। आपकी बंधु घर पे नहीं है। कहाँ गई? आपकी बंधु क्या होता है? मम्मी है तुम्हारी। कहाँ है मम्मी? दादी और मम्मी बाहर शॉपिंग गए हैं। कहाँ है? 8 बजे तक आ जाएंगे। खाना भी बनाया है और मुझे होमवर्क दिया है। ऐसे लिखना है जो आपको चेक करना होगा। अच्छा इसीलिए मम्मी से आपकी बंधु हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, होमवर्क करो, मैं चेक कर दूं। जाओ। अरे राजेश तू आ गया? अरे पापा आइए। वो वंदना और राधिका। जी 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 बताया अभी अथर्व ने। हाँ। लेडीज पार्टी घर पे नहीं है। हाँ। तो घर का स्टेडियम बनाते हैं। क्या मैच देखते हैं? आज मैच है? आइए आइए। अरे किसका किसका भाई? ये क्या है सब रंगीन कपड़ों में? ये हम लोग के जमाने में सफेद कपड़े होते थे। अब पैसे मिलते ना उसके, अभी स्पॉन्सर्स है सारे। हाँ फिर ए मारा मारा मारा। अरे क्या कैच पकड़ा डैडी। हाँ मेरा होमवर्क चेक करो ना। नेक्स्ट नेक्स्ट। इतनी जल्दी हो भी क्या? इतनी जल्दी है क्या? 10 बज गए। क्या? हाँ 10 बज गए। अरे मैच देखने में वक्त का पता ही नहीं चला। अरे राधिका और वंदना अभी तक नहीं आए, कहाँ रह गए वो लोग? राजेश जरा फोन तो लगा बेटा। आ जाएंगे कहाँ? किचु बोल बे। ओहो अब क्लाइमेक्स में किसका फोन आ गया? राज का। बचता है लेकिन उठाने का नहीं। अरे उन्हें भी तो पता चले कि जब वो फोन नहीं उठाते ना तो हमारा क्या हाल होता है। एक्चुअली लेकिन पापा नीचे आ गए तो? वो नहीं आएंगे, अकेला घर ना उन्हें खाने को दौड़ता है, नहीं आएंगे वो। ज्यादा से ज्यादा उनका भी फोन आ जाएगा। सिम
दिखा, आ गया ना? याद है? बचता है लेकिन उठाने का नहीं। करेक्ट। अब खाना ऑर्डर करना, बहुत भूख लगी है। अभी कर रही हूँ। राजेश, राधिका भी फोन नहीं उठा रही है। एक मिनट, मैं फिर एक बार ट्राई करता हूँ। डैडी ऐसे चेक करो ना। हाँ तू पढ़, मैं सुन रहा हूँ। मेरा शहर मुंबई मेरा शहर है, वैसे तो बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा रिस्की है। परसों 3 महिलाओं का अपहरण हो गया जिसमें एक शादीशुदा थी, साथ में उसकी सास भी थी। एक मिनट, ये क्या लिखा तूने? मुंबई पे निबंध लिखना था, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूं। तो न्यूज़पेपर पे जो मुंबई के बारे में लिखा था वो मैंने लिख दिया, टाइम बचा ना। होमवर्क में भी चीटिंग कर रहा है तू, मुंबई में ऐसा नहीं होता, समझा? राजू बेटा ऐसे बाद में डांट लेना, पहले ना पुलिस को फोन करते हैं। तो पापा पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है, थोड़ा वेट करते हैं ना। मतलब मैं भी यही सोच रहा था कि थोड़ा पेशेंटली वेट करना चाहिए, नहीं? अरे इसके निबंध ने तो मेरी पेशेंस की ऐसी की तैसी कर दी बेटा, पता नहीं दिमाग में कैसे उल्टे पलटे ख्याल आ रहे हैं। आप रिलैक्स कीजिए, मैं फिर एक बार ट्राई करता हूं। ठीक है, अपना फैमिली के साथ रिलैक्स। ओ वंदना, तू फोन साइलेंट पे क्यों नहीं करती? हां मां, मैं करने ही वाली थी लेकिन फिर सोचा कि वो खाना ऑर्डर किया ना ऑनलाइन ऐप से, अगर उनका फोन आया तो फिर। अरे हाँ, अभी तो खाना क्यों नहीं आया? हाँ मैं चेक करती हूँ। नहीं उठा रही है फोन। पिछले हफ्ते 2 महिलाओं को किडनैप कर लिया जिसमें एक वृद्ध थी, लोकल ट्रेन से उतरते चढ़ते हुए गिर के अपाहिज होने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अरे तू क्यों पढ़ रहा है, रुक ना जरा, ये सुन के मुझे टेंशन हो रही है। और तू कुछ अच्छा पॉजिटिव नहीं लिख सकता मुंबई के बारे में? राजू बेटा मुझे बहुत टेंशन हो रही है, तू वंदना की किसी सहेली को फोन करके क्यों नहीं देख लेता, शायद वहां गई हो, लौटने में देर हो रही होगी। या फिर ऐसा करते हैं हम लोग खुद ढूंढने निकलते हैं, अगर वो लौट रहे होंगे तो रास्ते में मिल जाएगी। नो पापा प्लीज, आप पैनिक मत होइए प्लीज। पैनिक तो तू खुद हो रहा है और मुझे कह रहा है पैनिक मत होइए। आगे लगता खाम खा परेशान हो रहा है तू। मैं दोनों परेशान हो रहे थे। चलिए राधिका। वंदन। वागले जी, आपका ऑर्डर सर। हमारा ऑर्डर, हमने कुछ नहीं ऑर्डर किया। क्या लेकिन सर, नाम तो यही लिखा हुआ है, वंदना वागले, एक पनीर मक्खन वाला, 4 रोटी और एक रसमलाई। पनीर मक्खन वाला, ये तो वंदना की फेवरेट डिश है। रसमलाई तो राधिका की जान है। खाना आ गया। क्या बचपना है राधिका, तुमने कहा तुम वंदना के साथ शॉपिंग में जा रही हो और खाना ऊपर खाना है, हमें ऊपर भेज के तुम खुद नीचे बैठी हो टेंट लगा के। कितने फोन किए हम लोगों ने, आप लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? वो तो अच्छा हुआ वो डिलीवरी बॉय आपका ये ऑर्डर ऊपर लेकर आ गया। ये कैसे हुआ? उमा, मेरे फोन में ना डिफॉल्ट एड्रेस ऊपर का सेव्ड है, शायद इसी वजह से। एड्रेस चेक करना चाहिए था ना, तब तक पिक्चर खत्म हो जाती। फिल्म देख रहे आप लोग, यहाँ फिल्म देख रहे हो, ये सब क्या है मम्मी? वही जो रोज होता है, रोज हमारे साथ होता है, आज तुम्हारे साथ हुआ। रोज हम फोन कर रहे होते हैं, आज तुम कर रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, यानी आप लोगों के दिमाग में अभी तक कल का टॉपिक चल रहा है। हाँ, क्योंकि हमारा आपको फोन करके सवाल पूछना और आपका चिढ़ना। एक्चुअली क्या? एक्चुअली वंदना, तुम लोगों को अंदाजा है हमें कितनी टेंशन हो गई थी, ऊपर से अथर्व होमवर्क के नाम पे ऐसी ऐसी भयानक वारदातें पड़ रहा था, 2 औरतों का अपहरण हो गया, एक औरत ट्रेन में से गिर गई। हाँ तो तुम्हें तो अथर्व ने वारदातें सुनाई ना, हमें तो फोन पे दिन भर पता नहीं रिलेटिव्स, कभी टीवी न्यूज वाले, कभी पड़ोसी, कभी सब्जी वाला, यही सुनाते रहते हैं, यहाँ ये हुआ, कभी वहाँ वो हुआ। तुम्हारा क्या, तुम लोग तो ऑफिस में बिजी रहते हो, हमारा दिल बैठा जाता है यहाँ पे, पता नहीं कहीं कुछ हो जाए। दुनिया कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। एग्जैक्टली, फिर हमें लगने लगता है कि हमारी ये जो दुनिया है वो इसी अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में गई है सुबह सुबह टिफिन लेकर। डर सा लगने लगता है कि कहीं ये अनप्रेडिक्टेबल दुनिया हमारी छोटी सी प्यारी सी दुनिया को निगल ना ले। फिर फोन करने का कोई रीजन हो ना हो, अपने आप फोन लग ही जाता है।
हमारे हमेशा के घिसे पिटे सवालों पे तुम्हारे चिड़चिड़े जवाबों से ही सही। कम से कम हमें पता लग जाता है कि इस वारदातों से भरी दुनिया में हमारी दुनिया सही सलामत है। दिल को सुकून मिल जाता है, ये सुकून हमसे मत छीनो रहा। प्लीज प्लीज फिर कभी मत कहना कि ऐसे बार बार फोन करके मुझसे सेम सवाल मत पूछा करो। नहीं बोलूंगा राधिका, मैं भी कभी नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर मैं मीटिंग में हूं और टेंशन की वजह से मेरी आवाज बढ़ गई तो फिर तुम भी नहीं रूठोगी? हा? नहीं रूठोगी। हाँ ऐसा किया करो, जब बहुत बिजी हो ना तो फोन का स्टेटस अपडेट किया करो। मतलब अगर बिजी हो तो मीटिंग में हूँ, अगर मीटिंग खत्म हो गई तो एट वर्क, है ना? राधिका जब मैं जॉब में था तो तुम्हें तो ये आइडिया कभी नहीं सूझा ना। सीनियर वागले, उस वक्त मोबाइल फोन थे क्या? हाँ 2 मील चल के जाती थी और वो कॉइन वाले फोन में पैसे डाल के फोन करती थी आपको। मैं 2 रिंग मार के काट देती थी और फिर वापस मैं बूथ पर फोन करता था तुम्हें। हाँ तो अपने ही पैसे बचाती थी ना। एक तो पैसे बचाओ, वापस बूथ पर जाके फोन करना पड़ता था उस पर, यू नो। घर में फोन लिया नहीं आपने, हाँ, और फिर मुझे बोल रहे हैं सॉरी। लोग ऑफिस में कितना मजाक उड़ाते थे। अच्छा है मजाक उड़ाते थे वो, मेरी तरफ से कभी नहीं। ये गलत बात है। अरे नहीं, ये तरीका है। अच्छा इस बार 10-15 कंसाइनमेंट है, अलग अलग राजस्थान के शहरों में है। एंड वंदना, मैं थोड़ी देर में फोन करूँ, मीटिंग में हूँ। पता है स्टेटस पढ़ा मैंने, फिर भी फोन किया। किस लिए? दिल के सुकून के लिए, कुछ पूछना था। पूछो। नहीं नहीं पूछ ही लो। घर कब तक आओगे? हमेशा की तरह। हमेशा कहाँ, एक ही वक्त पे आते हो राज। तो काम भी तो रोज कम ज्यादा होता है ना। आज कम है या ज्यादा है? थोड़ा, आ जाऊंगा 7-8 बजे तक। 7 या 8? नहीं 9 बजे तक आ जाऊंगा। अनबन मिट गई आदत न छूटी, फोन करते रहना तो है बीवी की ड्यूटी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।